नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम है दोस्त ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे और वह कंसेप्ट है हमारा ब्लड रिलेशन से। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, तो हमें यह समझना है कि ब्लड रिलेशन होते कितने टाइप के हैं। तो हमारे ब्लड रिलेशन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है माता के अनुसार और जो दूसरा होता है वो पिता के अनुसार। अर्थात इसको हम कह सकते हैं माता के अनुसार जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे माता के अनुसार रिलेशन हो गया, पिता के अनुसार जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे पिता के अनुसार। जैसे माता के अनुसार क्या क्या रिलेशन हो सकता है, माता के अनुसार मतलब हम हो सकते हैं, हमारी सिस्टर हो सकती है, माता के अनुसार मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती हैं, नाना हो सकते हैं, नानी, मौसी, मौसा, मौसी मौसा के लड़के हो सकते हैं। ये रहा माता के अनुसार। और दूसरा आया पिता के अनुसार। तो पिता के अनुसार जो रिलेशन होता है उसमें हम आ सकते हैं, हमारी सिस्टर आ सकती है, बुआ आ सकती हैं, फूफा आ सकते हैं, बुआ फूफा के लड़के आ सकते हैं, दादा आ सकते हैं, दादी आ सकती हैं। तो ये सभी रिलेशन जो है कि वो किसके अनुसार आएंगे, पिता के अनुसार। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो माता के अनुसार रिलेशन होता है वह मामा के यहाँ से स्टार्ट होता है और जो पिता के अनुसार रिलेशन होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने घर से। तो ये दोनों बात तो आप लोग को पहले से भी पता है, क्लियर है। तो आइए दोस्त आज हम लोग चलते हैं, अब एक पीढ़ी देखते हैं। जैसे हम लोग किस लेवल में, जैसे हमारा उम्र क्या है, हमारे उम्र के लेवल के कौन कौन से लोग हैं, और अगर उससे हम ऊपर जाए तब कौन कौन से लोग हैं, उससे नीचे आए तो कौन कौन से लोग हैं, तो इस बात को हम जानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला लिया है स्वयं की पीढ़ी, अर्थात हम उम्र का जो रिश्ता हो उस रिश्ते को यहाँ पर देखेंगे। तो हम उम्र का जो रिश्ता है, जैसे हम हो गए, हमारे उम्र का अर्थात हमारे रिश्ते का जो रिलेशन का रिश्ता हो वो, जैसे भाई हो गया, तो भाई जो है कि ये हमारे रिलेशन अर्थात हम उम्र का रिलेशन है, क्लियर है। भाई हो गया भौजाई, बहन बहनोई, देवर देवरानी, ननद नंदोई, साढ़ू सड़वाइन, साली सरहज, ये सब अपने पीढ़ी अर्थात अपने लेवल का रिश्ता है, क्लियर है। अब अगर हम एक स्टेप इससे ऊपर जाए अर्थात एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, क्लियर है। जैसे हमारा पीढ़ी जो था, हमारे पीढ़ी में यानी कि ये लोग आ गए, अब हम एक पीढ़ी ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो जब एक पीढ़ी ऊपर बढ़ाएंगे तो उसमें कौन कौन आएंगे, माता पिता मौसी मौसा मामा मामी बुआ फूफा ये सभी लोग, और चाचा चाची ताऊ ताई ये सभी लोग किस में आएंगे, एक पीढ़ी ऊपर आ गए, क्लियर है इतना। अब हम आते हैं एक पीढ़ी नीचे, यहाँ पर यानी कि स्वयं का पीढ़ी अर्थात हमारा पीढ़ी था, अब एक पीढ़ी हम नीचे आते हैं। तो जैसे एक पीढ़ी अगर नीचे पहुँचेंगे तो उसमें हमारा बेटा आएगा, बेटा बेटी, ठीक है, भतीजा भतीजी दामाद, ये सभी जो है कि हमारे किस में आएंगे, एक पीढ़ी नीचे। जैसे हमने पर लिखा है बेटा बेटी बहू दामाद भतीजी भतीजा भांजा भांजी, ये सभी किस में आएंगे, एक पीढ़ी नीचे के लेवल पे। अब हम आते हैं कि दो पीढ़ी अगर ऊपर कर दिया जाए, तो जब दो पीढ़ी ऊपर करेंगे तो मतलब एक पीढ़ी पर माता पिता आ गए, अब उनसे थोड़ा सा ऊपर जाना है तो कौन आएंगे, दादा दादी। तो एक जब दो पीढ़ी ऊपर पहुँचेंगे तो उसमें दादा दादी नाना नानी, बस चार लोग आए, क्लियर है। अब हम दो पीढ़ी नीचे उतार रहे हैं अर्थात एक पीढ़ी नीचे उतारेंगे तो हमारा बेटा का लेवल आ जाएगा, अब उस बेटे के एक पीढ़ी नीचे उतारना है अर्थात बेटे का बेटा मतलब कौन हो जाएगा, पोता पोती नाती नतनी नाती का पत्नी नतनी का पति पौत्र वधु, अर्थात यानी कि जो पोता होता है उसको पौत्र बोलते हैं, तो उस पोता का जो पत्नी होता है उसको बोलते हैं पौत्र वधु। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा स्वयं की पीढ़ी का जो लेवल का रिश्ता है उस रिश्ते को, एक पीढ़ी ऊपर का रिश्ता देखा, एक पीढ़ी नीचे का, दो पीढ़ी ऊपर दो पीढ़ी नीचे, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप तीन पीढ़ी ऊपर बोल दिया जाए या फिर तीन पीढ़ी नीचे बोल दिया जाए तो बस आपको दो पीढ़ी में पर लगाना होता है। जैसे
तीन पीढ़ी अगर ऊपर कह दिया जाए तो दादा, तो दादा को हम क्या बोलेंगे, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, क्लियर है। अगर तीन पीढ़ी नीचे का बात किया जाए तो पर पौत्र, पर पौत्री, पर नाती, पर नतनी, पर नाती का पत्नी, मतलब ये इस प्रकार से। तो हमारे समझ से आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा कि हमारे लेवल का रिश्ता क्या है, हमारे लेवल से एक नीचे का रिश्ता क्या है, एक ऊपर का क्या है, दो नीचे का क्या है, दो ऊपर का क्या है। आइए इसके आगे हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न को करने के लिए हमारा कौन सा कंसेप्ट काम करता है, उस कंसेप्ट को देखेंगे। जैसे अगर प्रश्न में आपको बोल दिया जाए कि आपके लेवल का रिश्ता हो, बात समझ रहे हैं, आपके लेवल का रिश्ता जब हो तो आप हमेशा इसी रो में लिखेंगे, अर्थात यही लाइन चलेगा आपके लेवल का। सपोज करिए यहाँ पे किसी बंदे को ले लिया गया, उसके लेवल का ही बात किया गया हो, तो आपको बस इसी लाइन में अर्थात एक ही पंक्ति में काम करना है। अब अगर एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया जाए, अर्थात एक पीढ़ी को ऊपर बढ़ा दिया जाए, जैसे मामा का बात कर दिया जाए, पापा का बात कर दिया जाए, और माता का बात कर दिया जाए, मौसा का, मौसी का, तो एक लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए आप हमेशा ऐसे यूज करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर नोट करेंगे, क्लियर है। अगर एक पीढ़ी नीचे का बात करना हो तो आप हमेशा इंडिकेट करेंगे एक पीढ़ी नीचे, मतलब ऐसे एरो करेंगे। अब अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात की जाए, आपको यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये दादा है और ये कौन है, पोता है। अब अगर दो पीढ़ी नीचे रहे तो दो पीढ़ी नीचे मतलब ऐसे उतारेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए इसी कंसेप्ट पे हम कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ए, ए है, और फिर यहाँ पे ऐसे दे दिया बी। तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर बी जो है ए का क्या है, या फिर ए बी का क्या है। बी को हमने दो स्टेज ऊपर पहुँचा, सॉरी, ए को दो स्टेज ऊपर पहुँचाया है और बी को दो स्टेज नीचे। अगर बी से लिया जाए तो बी से ए दो स्टेज ऊपर पहुँच गया, तो मतलब बी से ऊपर पहुँचेगा फादर, फादर का लेवल जो होता है। अगर उससे एक स्टेज और ऊपर पहुँच गया तो ये किसका लेवल हो गया, दादा का। लेकिन अभी इसको हम बोले नहीं कि ये दादा है या फिर नाना है या फिर नानी है या फिर और, एक चार होते हैं ना, तो लेकिन हमको ये पता चल गया कि ये दो पीढ़ी ऊपर का बात है, क्लियर है। अगर ए से बात किया जाए, ए से बात किया जाए तो ए से ये सभी नीचे हैं, अर्थात नीचे की पीढ़ी है। ए से एक अगर नीचे आता है तो बेटा का लेवल होता है, किसका लेवल होता है, बेटा का। अब बेटे से एक लेवल नीचे आ जाए तो बेटे का बेटा अर्थात कौन हो जाएगा, पोता, ये पोता का लेवल जाने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। आइए इसी पे और कुछ ले लेते हैं। जैसे जैसे हमने बोल दिया कि राम श्याम का पिता है, क्या है, राम श्याम का पिता है। आपको देखना है पहले किसको लेना है, हमको राम को, यहाँ पर हमने ले लिया राम। अब श्याम का पिता है, किसका पिता है, श्याम का। अगर राम जो है श्याम का पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, अगर ये एक पीढ़ी ऊपर है तो इसके नीचे कौन होगा, श्याम। अब देखिए कि ये ए एरो आप समझ रहे होंगे, एक पीढ़ी हमने इसको ऊपर पहुँचा दिया। अगर ये न लिखा रहे, आपको ऐसे लिखा रहे, इससे भी हमको पता चल जाएगा कि श्याम का पिता कौन है, राम है, या फिर राम का बेटा कौन है, श्याम है। बात समझाया कि नहीं। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हम लोग को पहचानने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वह मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है। जैसे सरोज हो गया, सरोज ये मेल में भी नाम होता है और फीमेल में भी होता है। अन्नू हो गया, अन्नू मेल में भी नाम होता है और फीमेल में भी होता है। तो जब हमें ये सब पहचानने में, जैसे ये तो अभी छोटा छोटा चल रहे हैं, जब बड़ा क्वेश्चन लेकर चलेंगे खूब, तो उसमें बार बार आपको लिखना पड़ेगा कि भाई है, बहन है, माता है, पिता है, मतलब आपको इंडिकेट करने के लिए कि वह मेल के रूप में है या फीमेल के रूप में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेल आ जाए, जब मेल आ जाए तो उसका
कुछ डिनोट किया रहेगा, एम जैसे रहेगा सपोज करिए, इसके ऊपर आप प्लस कर दीजिएगा। जब मेल रहेगा तो उसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस। अगर फीमेल रहे, फीमेल रहे तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, माइनस। अब अगर हम ऊपर लगा दें प्लस, इसका मतलब यह हो जाएगा कि वह किस क्या है, मेल है। अगर उसके ऊपर हम लगा दें क्या चीज, माइनस, तब क्या हो जाएगा, फीमेल। जैसे ए बी का भाई है, बात को समझिएगा। अब देखिए ये लेबल सेम का लेबल है, सेम रिलेशन है, तो हम तो अब यानी कि इसी में घूमेंगे, इसी पंक्ति में घूमेंगे, न ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, क्योंकि सेम का लेवल हो गया भाई। तो अब यानी ए बी का भाई है तो यहाँ पे ए कर देंगे और फिर कामा बी, तो कौन भाई है, ए भाई है। ए का, ए के बारे में हमको पता चल गया क्लियर कि भाई है, तो भाई मतलब क्या, मेल सेक्स को डिनोट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। लेकिन बी हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ, इसके ऊपर हम न प्लस लगाएंगे और न ही माइनस। जिसका हमको सही रूप से क्लियर हो जाए कि वह मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, प्लस। ये छोटा था, जैसे एक और ले लेते हैं, रवि रानी का चाचा है, बात समझ आया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि रवि रानी का, तो पहले हम रानी को लेंगे, चाचा मतलब ऊपर के लेवल पे जाएगा, ऊपर के लेवल पर कौन लिखेंगे, रवि, तो रवि को अब हम प्लस देंगे क्योंकि रवि चाचा है, तो चाचा मेल को डिनोट करता है, तो यहाँ पर रवि क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये चाचा अगर फादर रहता तो बस ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि ऊपर हमारा फादर का लेवल होता है, तो ऊपर फादर को ले लेते, यहाँ पे चाचा है इसलिए चाचा कह दिए, बात समझ आया। अब इसके आगे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे जैसे ए पति है, पति है और बी पत्नी है, आपस में अगर मान लीजिए कि ऐसे आपको दे दिया, ए पति है और बी पत्नी है, अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि इसको पति उसको पत्नी दोनों को ऐसे लिखना ना पड़े, तो इसको समझेंगे कैसे, जैसे पति पत्नी पहले लेवल तो सेम हुआ, रिलेशन ये सेम लेवल का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम ए कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, बी, मतलब पंक्ति में जा रहा है। अब ए पति है तो पति तो मतलब प्लस लगा दिया और बी माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पत्नी है और यहाँ पे पति, पति पति पत्नी का रिश्ता है, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें पति, अगर हम पति लिख दिए तो भी हमको पता चल गया कि ये पति है और ये पत्नी है। पति हमको यह डिनोट कर रहा है कि इन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है। अगर हम यहाँ पे सपोज करें माता कर दें, अगर माता कर दें तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि इनमें माता और पिता का रिश्ता है, बात समझा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम भाई कर दें, भाई कर दें तो हमको ये पता चल रहा है कि भाई का रिश्ता है, बात समझा कि नहीं। जैसे भाई, अगर भाई कर दिया, ये माइनस दिया है तो ये पता चल गया कि ये क्या है, लड़की, फीमेल रूप है, और ये प्लस है तो प्लस मतलब ये क्या हो गया, मेल रूप, तो इसका भाई यह हुआ। हम एरो नहीं दिए हैं, एरो दे देंगे तो हमारा तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन एरो बिना दिए तो हमारा यहाँ पे क्या था, ये पति और पत्नी, तो हमने यहाँ पे पति दे दिया, इसका मतलब यह चल रहा है कि ये फीमेल है, तो फीमेल इसका पति यह है, क्लियर है। अगर यहाँ पे हम पति ना दे करके क्या दे दे, पत्नी, और एरो नहीं दिया, एरो नहीं दिया, तो इसका मतलब यह चला कि ए मेल है तो ए की पत्नी बी है, क्लियर कि नहीं। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको सवाल में बहुत आसान पड़ेंगे, आपको ऐसे भले थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन सवाल जब लगाएंगे उसमें ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बनेगा, और इस कॉन्सेप्ट पे आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्लड रिलेशन में कितने केस होते हैं, उन केस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो केस, इस ब्लड रिलेशन में दो केस आते हैं। पहला जो केस होता है वह लैंग्वेज के आधार पर होता है, जैसे इसमें बोला जाता है कि मीना का भाई
राम है, राम की बुआ रानी है, इस टाइप से। ये हमारा किस पे हो गया, लैंग्वेज के आधार पे। और आता है एक कोड के आधार पे। कोड के आधार पे मतलब यह होता है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बुआ है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन देता है। तो पहले हम इस पे लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोड पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों लोग हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, ई बी की बहन है। तो देखिए ये आपका लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे चलेंगे ई बी का बहन है। तो देखिए सेम लेवल का रिलेशन है या फिर ऊपर नीचे है, तो आप बोलेंगे सेम रिलेशन है। तो सेम लेवल का है तो मतलब इसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, क्लियर। अब ये ई जो है बी की बहन है, तो हमने यहाँ पर ई दे दिया और यहाँ पर बी दे दिया। अब यहाँ पर कामा कर दे, चाहे ऐसे एरो दे दे, इस प्रकार से। अब हमारा देखिए ई जो है बी की बहन है, तो इसमें कौन क्लियर है कि मेल है कि फीमेल, ई। तो ई के ऊपर हम क्या कर देंगे, माइनस, और यहाँ पे ऐसा कामा कर दिया। यहाँ पर हमको यह पता चल रहा है कि ई फीमेल रूप है, क्लियर है। अब कामा कर दिया तो ये मतलब हो गया कि भाई बहन आपस में हैं। अगर कोई और रिश्ता होता तो उसको हम एरो करके उसके ऊपर लिख देते कि क्या है, ये जीजा जीजी है या फिर देवर देवरानी है, मतलब कोई रिश्ता होता तब। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला है कि ए सी का पिता है। देखिए ए सी का पिता है वो चलिए ठीक है, लेकिन इससे रिलेशन नहीं पकड़ रहा है। तो हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, बी सी का पुत्र है। देखिए बी किसका पुत्र है, सी का। अगर ये बी जो है पुत्र है किसी का, तो इसका बाप तो ऊपर के लेवल पर होगा, तो यानी कि किसका पुत्र है, सी का। बात समझाया कि नहीं, बी जो है सी का पुत्र है। अगर पुत्र डिनोट किया तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, प्लस है, बी सी का पुत्र, तो यहाँ पे आप प्लस दे देंगे। तब ए, अभी देखिए एक हमने छोड़ दिया है, ए सी का पिता है। ए किसका पिता है, सी का पिता है, मतलब ये सी के भी ऊपर पहुँचेगा, कौन, ए। ए पहुँच गया सी के ऊपर। अब देखिए हमारा इस प्रकार से हमने तैयार कर दिया। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। अब देखें कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ये सी जो है इसका भी पिता है, बात समझाए, और सी का पिता वो इन दोनों का भी क्या होगा, दादा कहलाएगा। तो बस ये क्या हो जाएगा, ए जो है क्या इसमें है, इनका दादा। बात समझाए कि नहीं, देख लीजिए एक लेवल बढ़ा, जब एक लेवल बढ़ता है तो पिता का लेवल होता है, जब दो लेवल बढ़ता है तो दादा का लेवल होता है। तो इसने खुद बोला है कि इसका यह पिता है, तो बस सीधे हो जाएगा कि ये दोनों भाई बहन है, इनका यह क्या हो जाएगा, दादा। नोट कर लीजिए। आइए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि बी की माता ए है। अब हमें यहाँ पर माता करना है, तो माता का लेवल ऊपर जाएगा। तो सिंपल सा, यानी कि बी का माता कौन है, ए। हमको देखिए ए पता चल गया कि ये फीमेल सेक्स है, लेकिन बी नहीं पता चला। और यहाँ पे ये ऊपर गया तो पहले पिता होता है, फिर उसके बाद माता, तो पिता रहता तो प्लस होता, माता हो गई तो माइनस, क्लियर है। अगर क्लियर इतना भी ना हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माता, ऊपर का लेवल जा रहा है तो माता होगा, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे मामी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र सी है, देखिए ये भी इसके नीचे है, तो ये भी या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, इतना तो श्योर है। लेकिन एक ये और बोल दिया, तो अब यानी कि ये वर्टिकल में था इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ए का पुत्र सी है। अब देखिए सी ये हो गया पुत्र, बात समझाए कि नहीं। ये आपस में दोनों भाई होंगे या आपस में बहन होंगे या फिर भाई बहन, इस टाइप से यहाँ पर कामा कर दिया। फिर कह रहा है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, तो यहाँ पे ना तो ई है ना तो डी है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तथा बी की पुत्री ई है, बी इस बी की पुत्री, पुत्री होगी तो नीचे होगी, बी की पुत्री कौन है, ई। ये अगर पुत्री है तो इसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं, बात समझाए कि नहीं। देखिए बी की पुत्री ई है, ई क्या है, पुत्री है। हमको पता चल गया कि ये फीमेल सेक्स है, तो यहाँ पे ई लगा दिया माइनस। तो अब देखिए एक हमने छोड़ा था, ई का भाई डी है,
ई का भाई, अगर भाई है तो सेम लेवल पर होगा, डी है तो, अगर ये भाई है तो यहाँ पे यानी प्लस कर दिया हमने। अब कह रहा है कि डी की दादी कौन है, देखिए भाई डी की दादी, तो डी ये दोनों आपस में भाई बहन, ऊपर का लेवल पहुँचा तो अभी ये हमको पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या चीज़ हो सकता है, या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकती है, या तो माता हो सकती है या तो पिता। अब माता या पिता के ऊपर जब पहुँचेंगे वह क्या हो जाएंगे, दादा या दादी। तो यहाँ पे यानी क्या दिया है, दादी दिया है, माइनस लगाया तो दादी, तो डी की दादी कौन हो गई, ए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ए, नोट कर लीजिए। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि ए और बी बहने हैं, बहने हैं का मतलब कि दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सेम लेवल का है, ए का मतलब बी दोनों बहन है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, माइनस। क्लियर। आर यस का भाई है, आर यस भाई है, मतलब दोनों आपस में, तो यहाँ पे लेकिन इससे रिलेशन नहीं पकड़ा अभी, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री, तो ए की पुत्री सपोज करें पुत्री नीचे होगी, यहाँ पे हो गई पुत्री, पुत्री लिखा ही है तो यहाँ पे माइनस लगाया या ना लगाया कोई फ़ायदा है नहीं। अब ए की पुत्री आर की क्या है, बहन। अब ये आर की बहन है, तो यानी आर हमको पता नहीं चला क्या है, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, लेकिन आर की बहन क्या है, इसकी पुत्री है, इतना तो पता चल गया। अब हमने एक छोड़ा था, आर यस का भाई है, आर जो है ये भाई है किसका, एस का, बात समझाया कि नहीं, इसको हमने सेट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का यानी कि ये बी है, बी का संबंध किससे, एस से, एस ये सभी भाई बहन आपस में हैं, देखिए क्या है आपस में, भाई बहन, क्लियर है ना। अब देखिए कि यहाँ पे ये पुत्री है, भाई ये हो गया, ये बहन हो गया, अब इस पुत्री की ये माता है, यानी इसकी भी माता हो जाएंगी, ये तीनों आपस में भाई बहन है, इसकी माता हो गई। अब इस माता की ये क्या है, सिस्टर है, तो माता की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, मौसी, मौसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंटी, अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या बोलेंगे इसको, मौसी, बात समझाए कि नहीं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट देखा, उस कंसेप्ट को समझा कि क्या होता है रिलेशन, उस रिलेशन के कंसेप्ट पे हमने देखा दो केस, जो कि हम पहला केस से क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चंस। तो दोस्तों आगे हम कल वाले में बताएंगे इस प्रकार का क्वेश्चन जो लैंग्वेज पर ही आधारित होगा, लेकिन वह संकेत करके होगा, जैसे उसने इसके ओर इशारा करके, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे राम ने रीता की ओर इशारा करके कहा, इस टाइप से। अभी तो हम सिंपल सा लेकर चल रहे हैं, ए और बी बहने आपस में, इशारा संकेत का कोई सवाल नहीं है। तो कल के क्वेश्चन में जो है वो हमारा इशारा और संकेत पर आधारित सवाल होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आप वीडियो आप लोग को कैसा लगा। कल तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।